यशयाह अध्याय 14 यशयाह अध्याय 14 क्योंकि यहोवा याकूब पर दया करेगा और इसराइल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे और देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे और इसराइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासिया बनाएगा क्योंकि वह अपने बंधुआए में ले जाने वालों को बंधुआ करेंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे और ऐसा होगा कि जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझने से लिया गया विश्राम देगा उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम करने वाला कैसा नाश हो गया है, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नाश हो गई है। यहोवा ने दुष्टों के सोटे और अन्याय से शासन करने वाले के उस लठ को तोड़ दिया है जिससे वे मनुष्यों को रोष से लगातार मारते रहते और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है। लोग ऊंचे स्वर से गा उठे, सनोबर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करते हैं कि जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारी नाई निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? तेरा विभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछोना और केचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गधे की तह तक उतर जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ध्यान से ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे कि जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था, क्या यह वही पुरुष है? जाति जाति के राजा सब के सब अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाख की नाई अपनी कब्र में से फेंका गया है। तू उन मारे हुओं की लोथों से घिरा है जो तलवार से बिगड़कर गड्ढे में पत्थरों के बीच में पड़े हैं और तू लताड़ी हुई लोथ के समान है। तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा न हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाए और जगत में बहुत से नगर बसाए। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बाबुल का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मैं उसको साही की मांद और जल की झीले कर दूंगा और मैं उसे सत्यानाश से झाड़ू से झाड़ डालूंगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। सेनाओं के यहोवा ने शपथ खाई है कि निस्संदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। मैं अश्शूर को अपने ही देश में तोड़ डालूंगा
और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतार जाएगा। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई हुई है और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है। कौन उसको टाल सकता है? और उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? जिस वर्ष में आहाज राजा मर गया, उसी वर्ष यह भारी भविष्यवाणी हुई। हे सारे पलिश्तीन, तू इसलिए आनंद न कर कि तेरे मारने वाले की लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्निसर्प होगा। तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठने पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। हे फाटक, तू हाय हाय कर, हे नगर तू चिल्ला, हे पलिश्तीन तू सबका सब पिघल गया, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे न रह जाएगा। तब अन्य जातियों के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? यह कि यहोवा ने सियोन की नींव डाली है और उसकी प्रजा के दिन लोग उसमें शरण लेंगे।